खबर पटना की बताएं, एनआईए कोर्ट ने बोधगया ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब 31 मई को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होगी। बोधगया ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों को आज स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया। एनआईए के स्पेशल पीपी ललन प्रसाद सिन्हा ने बताया कि कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को ब्लास्ट मामले में दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने बोधगया के अलावा पटना गांधी मैदान ब्लास्ट में भी संलिप्तता मानी है। घटना के बारे में आरोपियों ने कोर्ट को बताया कि रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर बौद्धिस्ट के कार्रवाई के बदले इन लोगों ने बोधगया में ब्लास्ट कर रोहिंग्या का बदला लेने के लिए तथा देश भर में यह मैसेज देने के उद्देश्य से बम प्लांट किया था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बौद्धिस्ट को नुकसान पहुंचाना था। अब एनआईए के पीपी ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि न्यायालय इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सजा देगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नवनीत जुड़ गए हैं। नवनीत, एक बड़ा फैसला, 5 आरोपियों को दोषी माना है कोर्ट ने। देखिए, बिल्कुल, आज एक सबसे कोर्ट का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला रहा, जिसमें बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट को लेकर के जो उसके 5 आरोपी है उनको अदालत ने दोषी करार दिया है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह एएनआई पूरे मामले की जांच कर रही थी, सबको ये अंदेशा था कि इसमें जिस तरह के ठोस साक्ष्य और सबूत मिले थे एनआईए को, क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान को एनआईए ने प्राथमिकता दी थी और उसके आधार पर बहुत सारे साइंटिफिक जो सबूत है वो इस पूरे मामले में एनआईए के हाथ लगे थे, जिनके आधार पर रांची के उमेर सिद्दीकी, अजहर उद्दीन कुरैशी, हैदर अली और मुजीबुल्लाह अंसारी जो है वो उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और इन तमाम लोगों की संलिप्तता इस घटना में सामने आई थी और उसके बाद आज अदालत ने इन सभी 6 आरोपियों के खिलाफ जो एनआईए ने आरोप पत्र दाखिल किया था उसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। और निश्चित तौर पे अभी जो ये अभियुक्त हैं इनके 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 जो फैसले हैं उसमें कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें जिसमें कुछ जो अभियुक्त हैं वो जुबेनाइल हैं, तो वो मामला जो है वो जुबेनाइल बोर्ड में भी भेज दिया गया था। और उस मामले में भी जो है कुछ जो अभियुक्त थे उमेर और अजहर जो छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले थे, उन्हें पूर्व में भी 3-3 वर्ष की सजा जो जुबेनाइल कोर्ट है वहां से हो चुकी थी। और इसके बाद अब चूंकि एनआईए की कोर्ट में मामले की जो है वो सुनवाई चल रही है और यहां पे इन तमाम लोगों को दोषी करार दिया गया है, अब अदालत जो है अगली तारीख से इन तमाम लोगों का जो सजा होगा वो मुकर्रर करेगी। तो निश्चित तौर पे ये पूरा जो मामला रहा था, जिस तरह बोधगया को दहलाने की साजिश इन लोगों ने रखी थी और इस पूरे मामले में जिस तरह इंडियन मुजाहिदीन का हाथ सामने आया था, तो निश्चित तौर पे ये काफी बड़ा मामला था और इसने ना सिर्फ बोधगया को बल्कि पूरी बिहार सरकार को के परेशान करके रख दिया था। और उसके बाद से ही बोधगया मंदिर की सुरक्षा जो है उसे बढ़ाने की सरकार ने पहल की और अब जो सुरक्षा है वो सीआईएसएफ को दे दी गई है। जी जी बिल्कुल नवनीत, जिस प्रकार से आरोपियों ने कोर्ट को ये बताया कि रोहिंग्या का बदला लेने के लिए देश भर में यह मैसेज देने के उद्देश्य से बम प्लान किया गया था, निश्चित तौर पर काफी बड़ा खुलासा ये आरोपियों ने किया है। और जरूरत इस बात की है कि अब प्रशासन इस बात को बहुत ही सही से ले और संज्ञान में ले इन चीजों को। देखिए, बिल्कुल, जिस तरह क्योंकि जब उस समय पहले नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे थे और उस समय जब गांधी मैदान में आए थे और उस समय जिस तरह इंडियन मुजाहिदीन ने गांधी मैदान में बम ब्लास्ट किया था और उसके बाद बोधगया में जो बम ब्लास्ट हुआ था, ये तमाम जो घटनाक्रम रही और जो तमाम बम ब्लास्ट की कड़ियां रही एक दूसरे से जुड़ते चले गए। और इससे जिस तरह एनआईए को पटना गांधी मैदान में जांच के दौरान सफलता मिली, उसके उसी पैटर्न पे जो बोधगया ब्लास्ट हुए वहां पे भी एनआईए को सफलता मिली। और उसके बाद इसका जो जांच का दायरा है वो रायपुर छत्तीसगढ़ तक गया और वहां से भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। तो निश्चित तौर पे बिहार में जो बिहार और झारखंड में इंडियन मुजाहिदीन का बढ़ता हुआ नेटवर्क था उसको तोड़ने में एनआईए को बड़ी सफलता मिली थी। और यही वजह है कि बिहार और झारखंड में समय रहते इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क को एक तरह से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन निश्चित तौर पे जो इस तरह के घटनाक्रम आए थे उससे निश्चित तौर पे बिहार सरकार की और पूरे सुरक्षा एजेंसियों की
जो परेशानी थी बढ़ गई थी, और उसके बाद ना सिर्फ रांची में बल्कि पटना में कई जगहों पर छापेमारी हुई और जिस तरह लोगों की गिरफ्तारी हुई और जिस तरह वैज्ञानिक अनुसंधान को इस मामले में एनआईए ने बढ़ावा दिया और जिस तरह साइंटिफिक जो सबूत है उनको तलाशने की कोशिश की गई थी, और यही वजह है कि इन तमाम अभियुक्तों को जो साइंटिफिक अनुसंधान के आधार पर साक्ष्य मिले उसको कहीं ना कहीं सजा दिलाने में एनआईए के कोर्ट को बड़ी सफलता मिली थी। जी बिल्कुल, और 31 मई को जब सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर काफी अहम दिन माना जाएगा, और नजर किस बात पर रहेगी नवनीत इस दिन? देखिए बिल्कुल, 31 मई चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इन लोगों को जो सजा होगी उसका ऐलान होगा कि इनको क्या सजा मिलती है, लेकिन निश्चित तौर पे जो इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और जिस तरह इन लोगों ने इस आपराधिक वारदात को अंजाम दिया, निश्चित तौर पे इन लोगों का साफ तौर पे मकसद था आतंक फैलाना, और कहीं ना कहीं जो रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे उसका ये लोग बदला लेना चाहते थे, तो जाहिर तौर पे जो आतंकी धाराएं इनके ऊपर लगी हुई है तो निश्चित तौर पे इन्हें आसान सजा नहीं हो सकती, इन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा मिले इसकी वकील ने मांग की है। निश्चित तौर पे ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं एनआईए के अदालत में है, और उम्मीद की जाती है कि इन तमाम अभियुक्तों को और इनके अपराध को देखते हुए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, और निश्चित तौर पे ऐसी सजा अदालत को देनी चाहिए कि एक नजीर पेश हो ताकि आने वाले लोग इस तरह के आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश न कर पाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बोधगया ब्लास्ट पर फैसला हुआ है, और आपको बताएं एनआईए कोर्ट ने बोधगया ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब 31 मई को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को लेकर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी क्रीड़ा मंच की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसका उद्घाटन सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, बीजेपी सिर्फ राजनीति के जरिए ही सेवा नहीं करती बल्कि लोगों को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए भी कार्यक्रम चलाती है, जिसमें बीजेपी ने क्रीड़ा मंच की अहम भूमिका है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कला संस्कृति एवं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर की ओर से शुरू किए गए फिटनेस कैंपेन की भी सराहना की। साथ ही राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वे राजनीति को छोड़ इस फिटनेस कार्यक्रम में शिरकत करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस योग दिवस को और बड़े पैमाने पर किस तरह बिहार के अंदर मनाया जाए, किस तरह क्रीड़ा मंच की उसके अंदर भूमिका हो सकती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। और इस बार ये दिखाई पड़ना चाहिए कि बिहार में लाखों लोग 21 जून के सुबह किसी न किसी मैदान में खड़े होकर और योगाभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो योग की विधा, उस पर बड़े बड़े कार्यक्रम समाज के लोगों को, पार्टी के लोगों को लेकर नहीं, तो समाज के लोगों को लेकर ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम, जो कि हाट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपने गठबंधन के प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। सूबे के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने जेडीयू और बीजेपी के बीच किसी भी तरह की खटास से इनकार किया है। दोनों मिलकर यहाँ बिहार में सरकार चला रहे हैं, दिल्ली में हमारी सरकार चल रही है, सरकार हम चाहते हैं कि बिहार विकसित राज्यों में श्रेणी में पहुंचे, इस दिशा में लगातार हम इस राज्य का विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं लगातार, और हम लोगों के किए गए कार्यों से लगातार बिहार की जनता संतुष्ट है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए थे, हमारे पार्टी के नंदकिशोर यादव जी गए थे, राष्ट्रीय ये आपने देखा होगा प्रवक्ता हमारे शाहनवाज हुसैन साहब वहां गए थे, मंगल पांडे जी वहां गए थे, आरसीपी साहब वहां गए थे, काफी लोग लगातार लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से जो कि हाट के चुनाव को एनडीए के प्रत्याशी विजयी होंगे, ये मैं पूर्ण विश्वास। खबरें भी और भी रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए।